सतना के सहपुर थाने में हुई घटना को लेकर दोषियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने, निर्दोष परिवार को न्याय दिलाने अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ब्लॉक इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हटा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ब्लॉक इकाई ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम हटा SDM राकेश मरकाम को सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि अभी हाल ही में सतना जिले के सहपुर थाना में लॉकअप में बंद राजपति पिता बद्री कुशवाहा को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें TI सहित दोषी पुलिस स्टाफ को बर्खास्त कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए एवं सरकारी नौकरी दी जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व अध्यक्ष देवनारायण कुशवाहा, कृपाल कुशवाहा, शैलेंद्र लीलाधर, भगवान दास, बालकिशन, रिंकू, मोहन कुशवाहा सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। सतना में कुशवाहा समाज के ऊपर थाना प्रभारी द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है, उसके संबंध में आज SDM महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि उच्च स्तरीय जांच कराकर राजपति कुशवाहा जी को उचित न्याय मिले और दोषियों के ऊपर 302 का मुकदमा कायम हो, साथ ही उनके किसी परिवार के सदस्य को स्थायी नौकरी हो एवं 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कुशवाहा समाज पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। खबर हटाकी के लिए दीपक पटेल की ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबर हटाकी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।